न्याय कर रही है। अगर सच में ही ये उनके चरित्र के ऊपर बनी हुई है ना एक एक चीज, तो वाकई न्याय कर रही है। वेल डॉक्यूमेंटेड ये तारीख के साथ बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तारीख के साथ है और सेंसर ऐसे ही पास भी नहीं करता। बहुत अच्छी मूवी है, प्रेरणादायक मूवी है। हम लोग तो खाली नंगे पैर आए हैं। अगर ये पूरा राष्ट्र अगर सावरकर की फिल्म देखने के लिए लेट लेट कर भी आता ना, तो भी उनके जो कार्य किए हैं जो उन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए, तो भी कम है। जो वीर सावरकर जी ने जो देश के लिए किया है ना, वो ऋण आज से 100 साल तक भी जो हमारी पीढ़ियाँ अगर काम करेंगी या धर्म के लिए काम करेंगी, तब भी वो ऋण नहीं हम उतार सकते उनका। और जो रिसर्च थी इस मूवी को लेके, सिनेमा को लेके, उनके घर से लेके, उनके सारी चीज़ों को लेके, बहुत अच्छी रिसर्च थी। ये जो आज हमने नंगे पैर आके वीर सावरकर जी की मूवी देखी है, ये हम कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, ये हमारा श्रद्धा भाव है। कि ये प्लानिंग कैसे हुई आपकी कि ग्रुप में मूवी देखने का? देखिए, ग्रुप में देखने के दो फायदे होते हैं। एक तो आप लोग जो अलग अलग रहते हैं वो संगठित दिखते हैं, और प्लस एक दूसरे की जो मन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, जब आप कोई चीज़ करने जाते हैं तो मन में बहुत शोर सा हो जाता है महिलाओं के, खासकर महिलाओं के, कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जब हम ग्रुप में होते हैं तो हमारे पास हर चीज़ के क्वेश्चन का आंसर होता है, हम उनको समझा सकते हैं कि ये किस लिए देखने आए हैं। और जाहिर सी बात है, इतने बड़े व्यक्ति की मूवी, कहते हैं ना, जिन्होंने अपना इतना त्याग दिया, समर्पण दिया, देश के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, तो वो लोगों को पता होना चाहिए। आज भी बहुत ऐसी लेडीज़ हैं, चाहे वो एज कुछ भी हो, लेकिन बहुत ऐसी लेडीज़ हैं जिनको अभी तक भी पूरा नहीं पता, सिवाय इसके कि वीर सावरकर जी एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। लेकिन ये मूवी देखनी क्यों चाहिए लोगों को? देखनी चाहिए, उनकी जीवनी पता चलनी चाहिए, उनके आगे वीर सावरकर जी जब लगा था तो वीर का बहुत विरोध हुआ था, और लोगों में ये जिज्ञासा होती है कि उन्होंने क्या किया, तो उनका पता होना चाहिए कि बैरिस्टर होने, लंदन में बैरिस्टर होने के बावजूद यहाँ आके उन्होंने अपना अभिनव भारत का संगठन खड़ा किया, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे स्वदेशी को प्रमोट किया, प्रॉपर जातिवाद के बीच में उनका बहुत बड़ा रोल रहा, तो उन्होंने बहुत सारा कार्य किया, तो लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। आज की जनरेशन को इसका कुछ भी नहीं पता। वो इतिहासकार थे, विचारक थे और एक क्रांतिकारी थे, इसलिए उनका नाम जो वीर सावरकर। मैं तो ये हर किसी को कहना चाहूँगी, बड़ों को, छोटों को, आप देखेंगे तो आप अपने परिवार को दिखाएंगे, परिवार में से आगे परिवार को बढ़ेगा, समाज में जागरूकता आनी चाहिए। इस तरह की मूवी बनाने वाले का भी बहुत धन्यवाद है जिन्होंने ऐसे लोगों को याद रखा। क्या ये चुनावी एजेंडा है मूवी, या फिर इतिहास को जानने की एक नई पहल है? ये कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, ये इतिहास को जानने की पहल है, क्योंकि जैसे जैसे हम इतिहास जानेंगे तो हमें अपने देश के बारे में पता चलेगा, अपने हिंदुत्व के बारे में पता चलेगा, तो हमें उस हिंदुत्व को बचाना है। हमारी नारी शक्ति इसमें जागरूक होगी, हमें अपनी पहचान पता लगेगी, हम लोगों ने क्या करना है और क्या नहीं करना है, और हम किसके खिलाफ खड़ा हो सकते हैं और किसके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकते। मैं कहती हूँ 1% ये एजेंडा है, मान लिया ये एजेंडे होते हैं, कांग्रेस क्यों नहीं करती ना, उन्हें भी तो करना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी तो हो भी नहीं सकते। देखिए, वो जिस आदमी की सोच, मतलब इतने करोड़ लोगों से अलग हो जाए, तो उसको तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं उनपे क्या टिप्पणी करूं? ये कांग्रेसियों के लिए मैं स्पेशल कहना चाहूंगी कि आप आइए, आगे बढ़िए, हिंदुओं के लिए काम करिए। आप लोग, हिंदू आपका भी साथ देता और दिया 70 सालों तक। 70 सालों तक सिर्फ आपको एक कम्युनिटी ने नहीं जिताया था। ये ग्रुप में मूवी देखने का प्लानिंग कैसे? बताया कि एकदम ये लगा कि अलग अलग जाएंगे और बहुत सारी जहन में चीज़ें रहेंगी, तो इसीलिए हम सब लोग इकट्ठे आए ताकि उसको देखें, देखने के बाद आगे अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, जो अपने आस पड़ोस वाले हैं उनको दिखाएं। इसलिए हम लोग मोस्टली ग्रुप में ही इस तरह के आयोजन करना चाहते हैं। सावरकर जी के कौन से विचारधारा से प्रभावित हैं? देखिए, सावरकर जी तो गुणों की खान थे, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। वो एक महान हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, राजनीति से प्रेरित हर तरह की उनके अंदर एक्टिविटी जो थी वो थी। उनकी जीवनी को जानने का भी महिलाओं को मौका मिलता है। तो आज इस मूवी को देखने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें महिलाओं को पता चलेगा कि किस तरह इस देश की आज़ादी में वीर सावरकर जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। वीर सावरकर जी ने हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, ये शायद हमारे देश के लोगों को अभी तक मालूम नहीं है। तो इस मूवी के माध्यम से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि महिलाओं को जानकारी मिले और देश के हर स्वतंत्रता सेनानी के बारे में उन्हें पता चले कि उनका क्या योगदान रहा है।
मैम, एनसीईआरटी की किताब में एक स्पेशल एक परिवार को दिखाया जाता है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो गांधी जी हो। वीर सावरकर को क्यों नहीं दिखाया गया एनसीईआरटी की बुक में? और चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, सिर्फ गांधी के परिवार को ही क्यों इतना दिखाया? आने वाले समय में ये भी चेंज होगा, आने वाले समय में ये भी चेंज होने वाला है, हो रहा है। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि अपना बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, गायत्री मंत्र स्टार्ट हो गए, रामायण महाभारत, ये तो ये भी सिलेबस का हिस्सा होगा। हिंदू जाग रहा है और जैसे जैसे हिंदू जागेगा तो ये चीजें चेंज होंगी। देखिए, कश्मीर पर हमारा अधिकार हुआ, आज रामलला की इतने सालों के बाद प्रतिष्ठा की स्थापना हुई, तो धीरे धीरे देश जो है वो हिंदुत्व की ओर बढ़ रहा है। और जिन लोगों ने वास्तव में देश के लिए काम किया है, उनके लिए आप आने वाले सालों में देखोगे कि किताबों में सिर्फ उन्हीं का ही नाम मिलेगा। उन वो क्रांतिकारी थे, वो सबको लेकर चलते थे। वो उन्होंने जेल में रहकर भी, ये अपना बेटा उनका दूसरे रूम में था, बड़े भाई थे, बड़े भाई थे। तो वो उसमें वहाँ पर थे, उनको पता नहीं था कि उनका भाई भी वहाँ पर है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी देश को, देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया। हम उनको नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं। बहन ने बताया कि सावरकर जी वहाँ पे थे अंडमान में, तो उनको पता नहीं था कि उनके बगल में उनके बड़े भाई, बड़े भाई हैं। अगर नेहरू जी इंदिरा जी को रोज एक चिट्ठी लिख देते थे, ये क्या था? सेम टाइम की बात है ये। इनकी कहानियों को तो है ना कांग्रेस ने छुपा के रखा ना हमेशा। हमारे कितने क्रांतिकारी है, सबको, श्यामा मुखर्जी है, वीर सावरकर है, इनका पता ही नहीं आज तक कहाँ गए। लाल बहादुर शास्त्री को ये नहीं पता जहर देके किसने मार दिया, सब पता है इन्होंने, सब छुपा रखा है इनकी जीवनी को। भाई सब छुपा रखा है। एक्चुअली हमारे बच्चों को ये एजुकेशन से ही हमारे वो पार्ट्स को ही अलग करते चले गए, लेकिन अब वो धीरे धीरे वो पार्ट्स जुड़ गए हैं। धीरे धीरे बच्चे हमारे हिंदुत्व को जान रहे हैं। और बाकी चाहे लेडीज रहे, किसी भी क्षेत्र में हो, अगर वो अपने आप को प्रूफ करती है तो वाकई उसे आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए, और वो बढ़ती है किसी भी क्षेत्र में। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जो आज हमने नंगे पैर आके वीर सावरकर जी की मूवी देखी है, ये हम कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। ये हमारा श्रद्धा भाव है कि उन्होंने इतने काम किए हिंदुत्व के लिए और देश के लिए तो किए ही किए, लेकिन उनका एक अलग ही एजेंडा था अपने हिंदुत्व को बचाने का और समाज को एकत्रित करके अपने देश को अखंड रखने का। वो एक उनका मैसेज आज तक किसी ने भी नहीं दिखाया, कहीं पर भी नहीं दिखाया, ना उनको हाईलाइट होने दिया। कांग्रेस ने हमेशा उनको दबाने की कोशिश की। तो ये जो मूवी बनाई है रणदीप हुड्डा जी ने, बहुत अच्छा मैसेज दिया है समाज में। एक बार सभी लोग देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि सावरकर जी ने क्या किया हमारे लिए। भैया, ये नंगे पैर सावरकर फिल्म देखने के लिए आप लोग आए हुए हैं, इसका क्या मैसेज है आपका? हिंदू समाज, ये राष्ट्र, हम लोग तो खाली नंगे पैर आए हैं। अगर ये पूरा राष्ट्र अगर सावरकर की फिल्म देखने के लिए लेट कर भी आता ना, तो भी उनके जो कार्य किए हैं, जो उन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए, तो भी कम है। आप सोचिए कि जिस समय खाली लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ ये देश, उसको आज़ाद कराने की बात कर रहे थे, उस समय सावरकर जी तीन मोर्चों पर लड़ रहे थे। पहला मोर्चा अंग्रेजों से, दूसरा मोर्चा कांग्रेस से, तीसरा मोर्चा जातिवाद से, और चौथा मुस्लिम लीग से, जो देश को तोड़ने के लिए काम कर रही थी। इस दूरदर्शिता वाले योद्धा वीर सावरकर को आज समाज भूल गया, और हम यही बताना चाह रहे थे। आज जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, आप जाकर पता करेंगे ना, तो आपको नया देखने को मिलेगा। हमने ऐसे लोगों को फिल्म दिखाई है, जो लोग करीबन 85-90 लोगों को फिल्म दिखाई है हमने, और ये बिल्कुल, और ये वो लोग थे जिनको कोई जानता नहीं है सावरकर को। हमने उन लोगों को बताया, उन लोगों को फिल्म दिखाया कि भाई सावरकर का जो ऋण है इस हिंदू समाज पर, इस राष्ट्र पर, वो उतारा नहीं जा सकता। वैसे तो वो भी इस धरती के, इस राष्ट्र के पुत्र थे, लेकिन फिर भी राष्ट्र के लिए और माता पिता के लिए करने वाली संतानों को भी पूजा जाता है। ये भारत है, ये सरवण कुमार का देश है, जहाँ पर माता पिताओं की सेवा करने वाले सरवण कुमार को भी पूजा जाता है। और ऐसे ही वीर सावरकर थे जिन्होंने हमारे भारत राष्ट्र को एक पुत्र होने के साथ साथ गर्वान्वित भी किया, धरती को, हमारी भारत भूमि को। मूवी में मैसेज क्या मिला आपको? मैसेज मुझे तो खैर सब चीज़ों का पता ही था, लेकिन फिर भी एक मैसेज के अंदर ये दिया जाता है कि आदमी का अगर दृढ़ संकल्प हो तो उसको कितनी भी कठोर सजा हो जाए, उसको कितना भी दंडित कर दिया जाए, उतना उसको कितना भी शोषित किया जाए, अगर उसका टारगेट, उसका ध्येय, उसका जो मार्गदर्शन है या जो आत्मबल है, वो उसको
मजबूती के साथ साथ इस राष्ट्र की हर विपदा से, सभी प्रकार के संकटों से लड़ने की इच्छा शक्ति देती है फिल्म, प्रेरणा देती है उसे। राकेश जी, आपने पूरी टीम के साथ आज फिल्म देखने आए थे जी, क्या मैसेज लेके जा रहे हैं आप फिल्म से? मैसेज यही लेके जा रहे हैं कि भाई जो वीर सावरकर जी ने जो देश के लिए किया है ना, वो ऋण आज से 100 साल तक भी जो हमारी पीढ़ियां अगर काम करेंगी या धर्म के लिए काम करेंगी, तब भी वो ऋण नहीं हम उतार सकते उनका, देश ऋणी है उनका जी, हिंदू समाज खास कर। सारे देशवासियों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हर बच्चे को हर बूढ़े को ये मूवी देखनी चाहिए। आप तो सपरिवार आए थे ना देखने? बिल्कुल, मैं अपने दोनों बच्चों के, अपनी वाइफ के साथ में दोनों के आया हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं मोदी सरकार से, हमारे पहले जो राष्ट्रपिता होने चाहिए, राष्ट्रपिता बोलेंगे वीर सावरकर जी होने चाहिए, और पहले प्रधानमंत्री वो सुभाष चंद्र बोस जी होने चाहिए। ये पहले थे हमारे, हमें गलत पढ़ाया गया, गलत सिखाया गया, गलत मालूम है हमें जो हमारे रियल हीरो थे, रियल फाइटर थे, उनके बारे में हमसे छुपाया गया। ये ना मोदी जी ने सावरकर जी के सम्मान तो करते रहे हैं, वो चीज नहीं दे रहे, जितना उन्होंने संघर्ष किया, जितना उन्होंने परिवार, एक भाई भाई से 8 साल नहीं मिला, सेम जेल में सेम कोठरी में बंद होके 8 साल नहीं मिला। तो वो कहना चाहते हैं कि जो उनका संघर्ष था, वो सब जितने ही बाकी लोग आज हम जिन लोगों को हम जानते हो, सबने अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार को बनाया है, उन्होंने अपने परिवार को खोया देश के लिए। जितने भी हमारे धर्म योद्धा है, जितने भी हमारे हिंदू धर्म के लिए जो भी भाई कार्य कर रहा है, जो भी अपने आप को क्रांतिकारी मानता है, सभी भाइयों से ये अपील है कि वीर सावरकर की मूवी जरूर से भी जरूर देखें, क्योंकि ये जो मूवी है ना, इससे हमें और इतनी प्रेरणा मिलती है कि हमारी रूह खड़ी हो जाती है। सभी जितने भी यूथ है ना, हमारा यूथ आइकन, सब भाई ये मूवी देखे, और उसके बाद आप खुद धर्म के प्रति इतने वो हो जाओगे, कट्टर हो जाओगे। सभी से हाथ जोड़कर विनती है, मूवी जरूर देखे। पूरे ग्रुप के साथ आए हैं फिल्म देखने के लिए, क्या मैसेज सावरकर जी का आपको? सावरकर जी की एक ही बात अच्छी लगती है कि जब आपके देश पे कोई आक्रांताएं होती है तो उसका जवाब अहिंसा से नहीं, हिंसा से देना चाहिए। तो सावरकर जी का हिंदुत्व आपको अच्छा लगता है? सावरकर जी का हिंदुत्व भी अच्छा लगता है, और सावरकर जी की जो बात है हिंसा, हिंसा के बिना जो हमें आक्रांताओं से छुटकारा नहीं मिल सकती, और हम उनका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। क्या मूवी न्याय कर पाई है सावरकर जी के चरित्र के साथ में? देखिए, जिस परिवेश में आज के समय में हम रहते हैं, उस परिवेश के अंतर्गत देखा जाए तो कुछ चीज़ें जो हो सकती है नहीं दिखाई गई है, जो 3 घंटे में सबको दिखाना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, रणदीप हुड्डा जी को लेके मैं इतना कहना चाहूँगा, उनको देखते हुए नई पीढ़ी को कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ वो सावरकर नहीं है, वो बिल्कुल सावरकर जैसे दिख रहे थे। और जो रिसर्च थी इस मूवी को लेके, सिनेमा को लेके, उनके घर से लेके, उनके सारी चीज़ों को लेके बहुत अच्छी रिसर्च थी। और सबसे बड़ी बात है कि देश में बहुत से ऐसे जननायक और बहुत से ऐसे क्रांतिवीर रहे हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, नाम सुन रखा है, कईयों ने तो नाम भी नहीं सुन रखा कई जगह। उस तरह के लोगों का आज की जो स्कूलों के बच्चे हैं, कॉलेज का नहीं कह सकते क्योंकि 25-30% माइंड मेकअप करके स्कूल से कॉलेज चले जाते हैं, लेकिन जो स्कूल के बच्चे हैं उनको ये सिनेमाएं दिखानी चाहिए, जिससे कि वो देश के क्रांतिकारी, कई क्रांतिकारियों के इसमें बीच बीच में झलके आपने देखी होगी कि इसमें जैसे ढींगरा जी थे, मदन लाल ढींगरा जी, उन्हें फांसी मिली, तो इस तरीके जो कई सारे थे उनके बीच बीच में जिक्र कर, और गांधी का दोहरा चरित्र यहाँ साफ साफ दिखाया गया। संतुष्ट है आप इस फिल्म से? और रणदीप हुड्डा जी का करेक्टर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा करेक्टर है, उन्होंने पता ही नहीं चला, मतलब हमें उन्हें देख के पूरे रियल असली सावरकर लग रहे थे, मेरे को भी असली लग रहे थे, क्योंकि उनके फोटो भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल वही लग रहे थे, और जो अम्बेडकर सर थे वो भी बिल्कुल रियली लग रहे थे। खुश हैं आप फिल्म से? हाँ जी खुश हैं। आप भी फिल्म देखने गए थे, फिल्म ने न्याय किया सावरकर जी के चरित्र के साथ में, और गांधी जी को जिस तरह दिखाया, सूट बूट वाले गांधी जी, बाल वाले गांधी जी वो भी सही है। मैडम, अभी आपने सावरकर जी के मूवी देख के आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? सावरकर जी का जो चरित्र था, ये मूवी उसके साथ न्याय कर रही है पूरी तरह? बिल्कुल न्याय कर रही है, अगर सच में ही ये उनके चरित्र के ऊपर बनी हुई है ना एक एक चीज, तो वाकई न्याय कर रही है, वेल डॉक्यूमेंटेड, ये तारीख के साथ बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तारीख के साथ है, और सेंसर ऐसे ही पास भी नहीं करता, बहुत अच्छी मूवी है, प्रेरणादायक मूवी है, समाज में कहीं ना कहीं मोटिवेशनल मूवी है, युवाओं के लिए जो क्राइम में पड़े हुए क्रिमिनल्स बच्चे हैं, जो अपना कहते हैं ना पूरी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, उनको देश और समाज में
अच्छे कार्यों के लिए अपनी एनर्जी को लगाना चाहिए। ये उन लोगों उन खासकर उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बहुत अच्छी। मैडम आप देखना चाहेंगे? मैं ये देना चाहूंगी कि यंग जनरेशन है जो, वो जरूर देखे, जरूर देखे, एक बार फिल्म देखे, एक बार वन टाइम तो बनता है, बनता है। और इसको फ्री दिखाना चाहिए मूवी को, जिससे हमारे देश के बच्चे जो कि गलत उसमें पड़े हुए हैं वो देशभक्ति के प्रति उनका प्रेम जागृत हो। जय श्री राम।